गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फोर्थ चैप्टर ऑफ कंप्यूटर दैट इज पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सम मोर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम नैनो द कंप्यूटर आल्सो हैज़ मैनी अदर पार्ट्स लेट्स लर्न अबाउट दैम कंप्यू नैनो क्या कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम के इसके अलावा और भी पार्ट्स होते हैं हम जिसके बारे में अब पढ़ेंगे ठीक है कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मैनी अदर यूजफुल पार्ट्स कंप्यूटर सिस्टम में बेटा अभी तक हमने फोर पार्ट्स रीड की है जो क्या है माउस मोनिटर कीबोर्ड एंड सी पी यू बॉक्स ठीक है इसके अलावा भी क्या होते हैं कंप्यूटर के और यूजफुल पार्ट्स होते हैं दीज पार्ट्स आर नोन एज आ कंप्यूटर्स पेरीफेरल्स इन जो फोर uh, पार्ट्स के अलावा और कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कंप्यूटर पेरीफेरल्स मीन्स एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं कंप्यूटर के उनको हम क्या कहेंगे कंप्यूटर पेरिफेरल्स नेक्स्ट है प्रिंटर व्हाट वी सी ऑन द मोनिटर कैन बी प्रिंटेड यूजिंग अ प्रिंटर मींस जो भी हम अपनी स्क्रीन में आ, देखते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट भी कर सकते हैं द प्रिंट आउट कैन बी इन कलर और ब्लैक एंड वाइट जो प्रिंट आउट होंगे मींस जो हमारा जो डॉक्यूमेंट हमारे कंप्यूटर में होगा जब हम उसे प्रिंट करेंगे जो हमें प्रिंट आउट मिलेगा वो क्या होगा वो कलर भी हो सकता है और कलरफुल ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है नेक्स्ट है जॉयस्टिक स्टिकॉय मेक्स Computer games are lot of fun. When it is moved, it gives signal to the computer. बेटा जो आपको साइड में एक इमेज शो हो रही है ये क्या है आपकी जॉयस्टिक. ठीक है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कंप्यूटर में गेम्स को प्ले करते हैं और इससे आपको आई थिंक बहुत मज़ा आता है ठीक है और जब हमें वेन इट मूव जब हम इसे मूव करवाते हैं तो क्या होता है ये कंप्यूटर को सिग्नल देता है ठीक है मीन्स आपको आपने जो भी कैरेक्टर है गेम का जो भी कैरेक्टर है अगर उसे मूव जंप uh, करवाना है तो आप जंप का सिग्नल देंगे है ना जो उसकी कीज़ होती हैं उसकी हेल्प से जंप जंप का सिग्नल देंगे अगर आपको फॉरवर्ड जाना है तो फॉरवर्ड का सिग्नल देंगे बैकवर्ड जाना तो बैकवर्ड का, तो का तो इस टाइप से क्या होता है जॉयस्टिक की वर्क uh, करती है नेक्स्ट है माइक्रोफोन माइक्रोफोन हेल्प अस रिकॉर्ड स्पीच एंड यू सॉन्ग्स इन द कंप्यूटर माइक्रोफोन का क्या यूज है बेटा ये जो आपको लेफ्ट uh, साइड uh, आपको इमेज शो रही है ये है अब आपका माइक्रोफोन इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कोई भी स्पीच रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर कोई सॉन्ग भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कहाँ पर कंप्यूटर में वेब कैम वेब कैम इज अमरा कनेक्टेड टू द कंप्यूटर इट टेक्स पिक्चर एंड स्टोर दैम इन द कंप्यूटर बेटा वेब कैम क्या होता है एक टाइप का कैमरा होता है जो क्या होता है कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है ठीक है जो आपको इमेज शो रही है ये क्या है आपका वेब कैम इसका वर्क क्या होता है बेटा ये पिक्चर आपकी पिक्चर को क्लिक करता है ठीक है टेक पिक्चर्स एंड क्या करता है स्टोर करता है आपके कंप्यूटर में इट इज़ ऑल्सो यूज टू कम्युनिकेट कम्युनिकेट विद पीपल ऑन द इंटरनेट इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे दूसरे किसी और दूसरे पीपल से बात कर सकते हैं जैसे आजकल हम ऑनलाइन क्लैस क्लासेज अरेंज कर रहे हैं वो भी इसके थ्रू अरेंज हो रही है इंटरनेट के थ्रू और वेब कैम के थ्रू प्रोजेक्टर द प्रोजेक्टर शोज अज द कंटेंट्स ऑन द मोनीटर ऑन अ लार्ज स्क्रीन ठीक है प्रोजेक्टर का वर्क क्या है बेटा जो भी आपके मोनिटर में कंटेंट शो होते हैं वो इसको क्या करता है लार्ज स्क्रीन में शो करवाता है इसका एग्जाम्पल आप अपनी क्लास से भी ले सकते हैं मीन्स जब आपको क्लास में कोई भी टीचर कुछ भी एक्सप्लेन करती है तो क्या करती है कंप्यूटर स्टार्ट करती है और उसकी प्रोजेक्टर की हेल्प से आप उसको लार्ज स्क्रीन में शो करती है दिस इज़ यूजफुल वैन यू वॉन्ट मैनी पीपल टू सी आ मूवी और आ प्रजेंटेशन ये कब यूज़फुल होता है बेटा जब आपको बहुत सारे पीपल्स को एक साथ मूवी या प्रजेंटेशन शो करनी होती है ठीक है दिखानी होती है तो तब ये बहुत यूज़फुल होता है और जैसे आपकी क्लास में भी होता है क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो एक साथ जब सारे स्टूडेंट को विजिबल करवाना होता है कुछ भी डॉक्यूमेंट तो क्या करते हैं हम प्रोजेक्टर की हेल्प लेते हैं स्कैनर स्कैनर कैन कॉपी रिटर्न टेक्स्ट एंड पिक्चर फ्रॉम अ पेज एंड स्टोर दम इन द कंप्यूटर बेटा स्कैनर का क्या वर्क होता है जैसे कोई भी टेक्स्ट है ठीक है जैसे आपकी बुक में कोई भी पेज है उसको क्या करता है उसकी जो पिक्चर होती है उसे उसे क्या करता है स्कैन करके आपके कंप्यूटर में स्टोर करता है ठीक है इससे क्या होता है जो आपकी हार्ड कॉपी होती है वो आपकी सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाती है तो इसलिए जो आ, आपका स्कैनर होता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है जैसे मैम आपको आजकल पीडीएफ सेंड करती है आपकी बुक के चैप्टर्स की तो वो किसकी हेल्प से सेंड करती हैं स्कैनर की हेल्प से इसके बाद नेक्स्ट है बेटा स्पीकरसपीकरस लेट यूज लिशन टू सॉन्ग प्लेड ऑन द कम्प्यूटर बेटा स्पीकर्स की हेल्प से क्या होता है स्पीकर्स की हेल्प से जब आप आपको कोई भी म्यूजिक लिसन करना होता है सुनना होता है तो आप क्या करते हैं जब उसे प्ले करते हैं तो वो किसकी हेल्प से सुनते हैं स्पीकर्स की हेल्प से अगर आप हेडफोन यूज़ कर रहे हैं तो हेडफोन की हेल्प से आप वो म्यूज़िक को लिसन कर सकते हैं सुन सकते हैं सी डी एंड डी वी डी सी डीज़ एंड डी वी डीज़ आर यूज़ टू स्टोर पिक्चर सॉन्ग एंड मूवीज़ बेटा हम सी डी और डीवी डीज़ का मेनली यूज़ कहाँ करते हैं जब हमें कोई पिक्चर स्टोर करनी होती है या सॉन्ग स्टोर करना होता है या मूवीज़ तो हम क्या करते हैं सी डी या डी वी डी का यूज़ करते हैं ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है पेन ड्राइव अ पेन ड्राइव इज अ स्मॉल डिवाइस डेट कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो बेटा आपको लेफ्ट साइड इमेज रही है ये क्या है आपकी पेन ड्राइव ये क्या होती है एक टाइप की छोटी सी डिवाइस होती है ठीक है इसमें क्या होता है बट हम इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं तो इस टाइप से ये हमारे लिए हमें जब कभी भी कोई डेटा स्टोर करना होता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट या मूवी स्टोर करनी होती है तो ये उसके लिए बहुत ही यूजफुल है अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई यू पी एस मीन्स यू पी एस की फुल फॉर्म क्या है अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई द यू पी एस कीप्स अब कंप्यूटर वर्किंग इवन वैन द पावर सप्लाई इज़ कट ऑफ जब कभी बेटा हमारे हाउस में पावर सप्लाई का कट ऑफ हो जाता है ठीक है मीन्स इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो क्या होता है यू पी एस की हेल्प से हम कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं तो इस टाइप से ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है नेक्स्ट है लेट अस समराइज अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर क्या है बेटा एक टाइप की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है द मेन पार्ट्स ऑफ आर डेस्क टॉप कंप्यूटर आर द मोनिटर द माउस द कीबोर्ड एंड द सी पी यू बॉक्स विच कंटेन्स द सी पी यू डेस्क टॉप कंप्यूटर के बेटा फोर मेन पार्ट्स होते हैं जो है मोनिटर माउस की बोर्ड एंड सी पी यू बॉक्स ठीक है सी पी यू बॉक्स कहाँ होता है आपके सी पी यू के इनसाइड द सी पी यू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं प्रिंटर्स स्पीकर्स स्कैनर्स वगैरह आर पेरिफेरल्स ऑफ द कंप्यूटर बेटा प्रिंटर स्पीकर्स और स्कैनर क्या होते हैं ये कंप्यूटर के पेरिफेरल्स पार्ट हैं ठीक है थीके? तो ये 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 सब क्या है हमारे लिए इस टाइप से ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थैंक यू